मूवी की शुरुआत में हम एक छोटे से चूहे को एक घर से बाहर आते देखते हैं। इस चूहे का नाम रेमी होता है। वह अपनी पूरी कॉलोनी के साथ फ्रांस के एक गांव में रहता है, लेकिन रेमी बाकी चूहे से बिल्कुल अलग होता है क्योंकि उसमें सूंघने की और खाना चखने का एक अनोखा ही हुनर होता है। अब रेमी का भाई एमी उसके इस हुनर से बहुत खुश होता है, लेकिन रेमी के डैड उससे इस हुनर से ऐतराज होता है क्योंकि उनका मानना है कि उन्हें जो भी कचरे से मिले उन्हें खा लेना चाहिए। और तभी वो एक सड़ा हुआ एप्पल खाने लगते हैं, लेकिन रेमी उसे सुनकर समझ जाता है कि इस एप्पल में चूहे मारने वाली दवाई मिली है, यह जिससे रेमी की डैड की जान बच जाती है। इससे वह बहुत खुश हो जाते हैं और फिर उन्हें सबको एक आइडिया आता है। वो सभी मिलकर रेमी के फूड इंस्पेक्टर बना देते हैं, जिससे सभी चूहे कुछ भी खाने से पहले रेमी से इसकी जांच करवाते हैं, जिससे रेमी बहुत परेशान हो जाता है। अब रेमी को कूड़े से मिली सड़ी हुई चीज़ें खाना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह अपने डैड से कहता है हम सबको फेयर होने का खतरा नहीं होता है। तो उसके डैड कहते हैं कि हमें इंसानों और उनके किचन से दूर रहना चाहिए, लेकिन रेमी अपने डैड की बात नहीं मानता और वह अब हर रात किचन में छिप कर जाया करता था। वहां जाकर हर रात टीवी पे गुस्ताव का देखा करता था क्योंकि गुस्ताव पेरिस के एक फेमस शेफ थे और अब रेमी भी उनके तरह एक बेहतरीन शेफ बनना चाहता। गुस्ताव के सभी एपिसोड को देखा करता है जिससे वह सभी चीज़ें और स्वाद का समझ चुका है और अब वह नई नई डिशें बनाना चाहता है। इसलिए वहाँ अगले दिन अपने भाई एमी के साथ वापस उसी घर में जाता है जहाँ से वो मसाले और सभी चीज़ें चुराने लगता है ताकि वह रेमी अपनी स्पेशल डिश बना सके। तभी वहाँ टीवी पर गुस्ताव का शो चलने लगता है जिसमें बताया जाता है कि गुस्ताव की डेथ हो चुकी है क्योंकि फ्रांस के एक मशहूर फूड एंटीगो ने इन अपने लेख में गुस्ताव की खाने की आलोचना की थी, जिससे गुस्ताव के रेस्टोरेंट को एक स्टार कम हो गया था, जिसे सदमे में आकर गुस्ताव की डेथ हो जाती है। इससे रेमी भी सैड हो जाता है। तभी घर की मालकिन रेमी और उसके भाई को देख लेते हैं, जिससे उनको मारने के लिए उन पर अपनी बंदूक से फायर करने लगती है। यह देखकर एमी बहुत डर जाता है, जिससे वह रूफ पर अपनी बनी कॉलोनी की तरफ बढ़ने लगता है। ओल्ड लेडी जब अपने घर की रूफ पर शूट करती है तो पूरी छत ही नीचे गिर जाती है, जिसमें चूहों की पूरी कॉलोनी होती है। अब घर की मालकिन ये सब देखकर घबरा जाती है, फिर वो उन सब पर फिर फायर करने लगती है। अब रेड्स पूरी कॉलोनी यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और तभी रेमी की नज़र गुस्ताव की रेसिपी बुक पर पड़ती है। वो अब उस बुक को लेकर भागने लगता है जिससे वह अपने कॉलोनी से पीछे रह जाता है और वह अपनी कॉलोनी उसकी पूरी फैमिली कहां पर है, जिससे वह पूरी तरह से हताश हो जाता है। अब वह अपनी रेसिपी की बुक को खोलता है और जैसे ही वह बुक को खोलता है गुस्ताव उसके सामने आ जाते हैं। दरअसल यह रेमी की इमेजिनेशन होती है। गुस्ताव रेमी से कहते हैं तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, तुम जो करना चाहते हो और जो बनना चाहते हो वो बन जाओ, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इस बात से रेमी को बहुत मोटिवेशन मिलता है और वो यहाँ से निकलकर सीधे पेरिस गुस्ताव के रेस्टोरेंट में जा पहुँचता है। ये सब देखकर वह बहुत खुश होता है। अब वही रेस्टोरेंट के अंदर दिखाया जाता है जहाँ पर अल्फ्रेडो नाम का एक लड़का जॉब के लिए आता है, उसे यहाँ पर क्लीनिंग का काम मिल जाता है और जब वह सफाई कर रहा होता है तो गलती से उससे सूप गिर जाता है। वह बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि अब उसकी जॉब इसके कारण जा सकती है। सूप की क्वांटिटी पूरी करने के लिए वो इसमें अजीब अजीब से चीज़ें डालना शुरू कर देता है ताकि सूप की क्वांटिटी पहले की तरह पूरा हो जाए। ये सब रेमी ऊपर से देख रहा होता है, उसके साथ उसके इमेजिनरी गुस्ताव भी साथ में होता है, जिससे वह हमेशा बात किया करता है। अब रेमी को यह देखकर गुस्सा आता है कि अल्फ्रेडो पूरे सूप को ख़राब कर रहा है और तभी रेमी गलती से नीचे गिर जाता है। वह अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगता है, पर इससे पहले कि वहाँ खिड़की से बाहर जाता सूप की खुशबू आती है, जिससे उसे एहसास होता है कि अल्फ्रेडो ने पूरा सूप ख़राब कर दिया है और अब रेमी खुद ही सूप में अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट डालना शुरू कर देता है। वह उसमें कई हर्ब्स और मसाले डालता है और तभी उसे अल्फ्रेडो यहाँ ऐसा करता देख लेता है और तभी अल्फ्रेडो उसे किचन में पड़े बर्तन
अब यहाँ हेड सेफ आ जाता है। वो जब एल्फ्रेडो के पास आता है तो वह कहता है कि सूप में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। वह उसे बहुत डांटता है और ठीक इसी वक्त यहाँ एक वेटर आता है और वह सूप निकाल कर एक कस्टमर के लिए लेकर जाता है जो कि एक क्रिटिक है। वह खाने पीने की चीज़ों पर रिव्यू देती है। अब जो यहाँ पर हेड सेफ होता है उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन तब तक वेटर सूप लेकर जा चुका होता है। वो लेडी सूप पीती है और इसके बाद वो हेड सेफ को बुलाती है और कहती है कि मैंने इससे बेहतरीन सूप आज तक नहीं पिया। यह सुनने के बाद वह हैरान हो जाता है। वह हैरान परेशान अंदर किचन में आता है और खुद भी सूप को टेस्ट करता है। सच में सूप बहुत ही टेस्टी होता है। इसके बाद वह अल्फ्रेडो से पूछता है, तुमने इतना टेस्टी सूप कैसे बनाया? तुम्हें हमारे सामने इस सूप को फिर से बनाना होगा। अब अल्फ्रेडो कुछ भी समझ में नहीं आता। वहीं रेमी को देखते हैं, वह बर्तन के नीचे अपनी जान बचाने के लिए खिड़की से भाग रहा होता है। तभी एक सेफ उसे देख लेता है और वह अल्फ्रेडो से कहता है कि तुम इसे पकड़कर तुम बाहर फेंक दो। अब अल्फ्रेडो रेमी को पकड़कर बाहर ले जाता है लेकिन वह उसे फेंकता नहीं बल्कि वह उससे पूछता है कि क्या तुमने सच में वो सूप बनाया था। रेमी अपना सिर हिलाकर उसे हाँ कहता है। इसके बाद वो रेमी को जार से बाहर निकालता है। अब रेमी बहुत ज़्यादा डर चुका है इसलिए वहाँ से भाग जाता है। अल्फ्रेडो इससे बहुत उदास हो जाता है क्योंकि उसे अगले दिन सूप बनाना होगा। अब रेमी भी अल्फ्रेडो को उदास देखकर वापस आ जाता है और इसके बाद अल्फ्रेडो रेमी को अपने घर ले आता है। घर पर वह अल्फ्रेडो के लिए बहुत ही टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाता है लेकिन अल्फ्रेडो की सबसे बड़ी टेंशन यह होती है कि उसे हेड शेफ के सामने वही सूप दोबारा बनाना होगा। इसलिए अब दोनों घर पर प्रैक्टिस करने लगते हैं। अब रेमी उसके सिर पर बैठ जाता है और बाल खींचकर उसे इंडिकेट करता है कि कौन सी चीज़ कब उठानी है। अब इसी तरह दोनों परफेक्ट हो जाते हैं। अल्फ्रेडो हेड शेफ के सामने जाता है, वैसा ही सूप एक बार फिर से वह बनाता है क्योंकि उसके कैप के अंदर रेमी बैठा होता है, उसे इंडिकेट कर रहा होता है कि उसे कौन सी स्पाइस कब उठाकर डालना है। अब यहाँ पर जो हेड शेफ होता है, गुस्ताव के मरने के बाद इस रेस्टोरेंट का ओनर हो चुका है, वह अल्फ्रेडो को यहाँ पर जूनियर शेफ की नौकरी दे देता है। रेस्टोरेंट में एक ही फीमेल शेफ होती है। अब हेड शेफ कहता है कि तुम्हें यहाँ नया रेसिपी बनाने सिखाएगी, साथ ही तुम पर इस नज़र रखेगी। इसके बाद वापस ऑफिस चला जाता है और वह अल्फ्रेडो का डॉक्यूमेंट देखना शुरू कर देता है जो उसने उस वक्त उसे दिए थे जब वह उस जॉब के लिए यहाँ पर आया था। और जब वह उसके डॉक्यूमेंट को देखता है तो उसे पता चल जाता है कि यह लड़का कोई और नहीं बल्कि गुस्ताव का असली बेटा है जिसका कभी यह रेस्टोरेंट हुआ करता था। इस बात को कंफर्म करने के लिए एक आदमी बुलाता है और कहता है कि अल्फ्रेडो का कैप लेकर जाओ, डीएनए टेस्ट कराओ, पता लगाओ कि यह सच में गुस्ताव का बेटा है या नहीं। और अब वह अल्फ्रेडो को एक नई डिश बनाने के लिए कहता है। उसकी कैप के अंदर अब भी रेमी मौजूद होता है और रेमी उसकी मदद करता है। अब अल्फ्रेडो एक बार फिर से बहुत ही शानदार डिश बनाता है जिसे खाने के बाद सब उस डिश की बहुत तारीफ करते हैं। वही रेमी को एक दिन उसका बड़ा भाई एमी मिल जाता है। इसके बाद वह अपने पूरी कॉलोनी से मिलता है जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है। अब रेमी उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताता है। रेमी के डैड कहते हैं कि इंसान कभी भी रेड से प्यार नहीं कर सकते हैं, वे लोग हमारे दुश्मन हैं, वे हमेशा हमें मारना चाहते हैं। लेकिन रेमी इनके बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्फ्रेडो अब इनका दोस्त बन चुका है। वही हमें अल्फ्रेडो को दिखाया जाता है जो सेफ के काम करने के बाद उसे सफाई भी कराई जाती है जो अब बहुत थक चुका है। लेकिन यहाँ पर जो फीमेल सेफ है वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं इसलिए अल्फ्रेडो अपना ज़्यादा वक्त फीमेल सेफ के साथ गुजारता है। वो रेमी से अब ज़्यादा बात नहीं करता। इस बात से रेमी का दिल टूट जाता है। अब उसे एहसास होता है कि उसके परिवार ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सही था, इंसान कभी भी रेड से प्यार नहीं कर सकते। अब वो डिसाइड करता है कि अब वो अपने परिवार के लिए किचन से खाना चुराने जाएगा।
जब वह किचन जाता है तो दरवाज़ा लॉक्ड होता है, लेकिन उसे पता है कि इसकी चाबी सीनियर सेफ जो कि इस रेस्टोरेंट के मालिक है उसके ऑफिस में है। वो अब चाबी चुराने के लिए वहाँ पर जाता है और तभी वह वहाँ पर अल्फ्रेडो के डॉक्यूमेंट देखता है, जिससे अब उसे पता चल जाता है कि अल्फ्रेडो गुस्ताव का असली बेटा है। साथ ही वहाँ पर एक बिल भी होता है, इसका मतलब है कि अल्फ्रेडो इस रेस्टोरेंट का ऑनर है। और अब रेमी बिल को लेकर भागने लगता है ताकि वह इस बिल को अल्फ्रेडो को दे सके। तभी वहाँ पर हेड सेफ देख लेता है और इसका पीछा करता है, लेकिन रेमी किसी तरह से वह डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ से भाग जाता है और वह डॉक्यूमेंट सीधा अल्फ्रेडो को दे। अल्फ्रेडो को जब उसके पिता के बिल मिलता है तो वो हेड सेफ को यहाँ से निकाल देता है। और अब यह रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि अल्फ्रेडो गुस्ताव का ही बेटा है। अब यहाँ पर एक क्रिटिक आता है जिसका नाम होता है एंटिक एगो। एंटिक एगो कुछ साल पहले अल्फ्रेडो के पिता के गुस्ताव वो जो जिंदा थे तब उसने इनके रेस्टोरेंट की रेटिंग दी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। इस वजह से उसके पिता को हार्ट अटैक आया था और गुस्ताव की मृत्यु हो गई थी। अब वो अल्फ्रेडो के कहता है कि नेक्स्ट वीक एक बार फिर यहाँ आएगा और उसके फूड को रिव्यू करेगा और फिर से वह रेटिंग देगा। अब अल्फ्रेडो और रेमी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि अभी तक रेमी ने जितने भी डिशेस बनाई थी जिसमें उसने अल्फ्रेडो की मदद की थी उसका सारा क्रेडिट अल्फ्रेडो ले लेता है। वो रेमी को कोई भी क्रेडिट नहीं देता और अब रेमी इस बात से बहुत नाराज़ हो जाता है, इसलिए वो अपनी पूरी रेड की कॉलोनी के साथ रात में उसके किचन में धावा बोल देता है। वहीं अल्फ्रेडो को दिखाया जाता है, उसे अब अपनी गलती का एहसास होता है और जब किचन में आता है तो वहाँ देखता है कि रेमी ने अपनी पूरी कॉलोनी के साथ आतंक मचा रखा है। उसे बहुत गुस्सा आता है, वो रेमी के साथ सभी रेड्स को यहाँ से भगा देता है। पर यहाँ पर जो पहले सीनियर सेफ था जैसे वो यहाँ से निकाल दिया था, वो रेमी को पकड़ कर ले जाता है। और वहीं अब अगले दिन अल्फ्रेडो के रेस्टोरेंट में एंटिक एगो आता है जो आज उसके फूड को रिव्यू करेगा। वो अल्फ्रेडो को कहता है कि मुझे एक खास डिश बनाकर दिखाओ जो यहाँ पर पहले किसी ने नहीं बनाया हो, लेकिन अल्फ्रेडो को कोई भी डिश नहीं बनानी आती। अल्फ्रेडो वही चीज़ बना सकता है जो उसे रेमी ने सिखाया था। अब अल्फ्रेडो इस बात से घबरा जाता है वहीं रेमी के डैड और उसका बड़ा भाई रेमी को छुड़ा लेते हैं। रेमी को एहसास होता है कि अल्फ्रेडो की उसकी मदद की ज़रूरत है, इसके लिए वह पुरानी बातों को भूलकर अल्फ्रेडो की मदद के लिए किचन के अंदर जाता है जहां उसे किचन के सभी स्टाफ देख लेते हैं। इस बात से स्टाफ को गुस्सा आता है कि उनके किचन में एक रैट है। अब उसे मारने के लिए उसके पीछे सभी दौड़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर अल्फ्रेडो आ जाता है और वो रेमी के बारे में सारा सच स्टाफ को बता देता है। वो कहता है कि आज तक जितने डिशेस मैंने बनाए हैं दरअसल वो सब रेमी ने बनाए थे, क्योंकि रेमी असली सेफ है। और जब पूरा स्टाफ इस बात को सुनता है तो उन सबको बहुत दुख होता है। तब सब कहते हैं कि तुमने हमें धोखा दिया है। यहाँ पर जो फीमेल स्टाफ होती है यानी सेफ है, अब रेमी की गर्लफ्रेंड है, उसे भी बहुत बुरा लगता है और वो भी यहाँ से चली जाती है। लेकिन जल्द ही वो अल्फ्रेडो की मदद के लिए वापस आ जाती है, क्योंकि जब उसके पिता गुस्ताव जिंदा थे तब हमेशा एक लाइन कहा करता थे कि एनीबॉडी कैन कुक, और अब वो उसका साथ देना चाहती कि आ जा पूरी सेना है वो भी यहाँ पर आ जाती है ताकि वो सभी रेमी की मदद कर सके। यहाँ पर सभी रेट सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से क्लीन करते हैं, इसके बाद उन्हें रेमी बताता है कि उन्हें क्या करना है और ये सभी रेस्टोरेंट में एक बहुत ही अच्छी डिश बनाना शुरू करते हैं। पर तभी यहाँ पर अचानक हेल्थ इंस्पेक्टर आ जाता है और जब वो यहाँ सभी रेट को देखता है तो वह बहुत ही घबरा जाता है। वो इस बात की कंप्लेन करने के लिए भागता है, लेकिन बहुत सारे चूहे उसकी गाड़ी पर चढ़कर उसे रोक देते हैं। वहीं अब रेमी को दिखाया जाता है कि अब डिश बनाना शुरू करता है, क्योंकि उसे एंटिक एगो के लिए बहुत ही खास डिश बनाना है। और वो डिश बनाता है रेटाटुई, जो कि पेरिस के एक फार्मर की फेवरेट डिश है। अब ये डिश बनकर तैयार हो जाती है और जब एंटिक एगो डिश को टेस्ट करता है तो वो अपने बचपन में चला जाता है।
जहाँ पर उसकी मॉम ने उसे इस डिश को बचपन में खिलाया था। उसका उसे स्वाद आज भी उसे याद है। उसके बाद उसने इस डिश को कभी नहीं खाया और वो इसे खाने के बाद जैसे मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो अल्फ्रेडो से कहता है, मैं उस शेफ से मिलना चाहता हूँ जिसने यह डिश बनाया। अल्फ्रेडो और उसकी गर्लफ्रेंड जो कि फीमेल शेफ है, वह एंटीगो से कहती है कि जब सब चले जाएंगे तब आप उस शेफ से मिल सकते हैं। और जब रेस्टोरेंट में पूरी तरह से खाली हो जाता है, अल्फ्रेडो एंटन के सामने रेड को लाता है और कहता है कि यही वह शेफ है जिसने इस डिश को बनाया है। पर एंटन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेमी एक रैट है, क्योंकि आज से पहले उसने इतनी अच्छी डिश कभी नहीं खाई। अब अगले दिन न्यूज़पेपर में उसका रिव्यू आता है। वो इनके रेस्टोरेंट को बहुत अच्छा रिव्यू देता है। साथ ही उसने कहा होता है कि गुस्ताव हमेशा एक लाइन, और यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि गुस्ताव के रेस्टोरेंट में जिस शेफ के हाथों का मैं खाना खाया, वह फ्रांस का सबसे शानदार कुक है। और अपने इंटरव्यू में ये नहीं बताते कि रेमी एक चूहा है। अब जो हेल्थ इंस्पेक्टर होता है जिसने किचन में बहुत सारे रैट्स को देखा था, वो गुस्ताव के रेस्टोरेंट को पूरी तरह से सील करवा देता है। साथ ही यहाँ पर एंटीनेगो की जॉब चली जाती है क्योंकि उसने रैट के ऊपर रिव्यू किया होता है। पर सब इतनी जल्दी हार नहीं मानते। जल्द ही अल्फ्रेडो उसकी गर्लफ्रेंड जो कि फीमेल शेफ है, साथ ही रेमी, तीनों मिलकर एक नया रेस्टोरेंट खोलते हैं ताकि गुस्ताव की स्वादिष्ट डिशेस उसे कंटिन्यू किया जा सके। इस रेस्टोरेंट के लिए इन्वेस्ट करता है एंटीनेगो, जो अक्सर यहाँ कर खाना खाया करता है, जो इनके रेस्टोरेंट में अब नाम होता है ला रेटिट्यूई। अब रेमी के परिवार के जितने भी रेट्स होते हैं वो किचन के बेसमेंट में रहते हैं, यानी कि इन्हें भी एक नया घर मिल जाता है। इसी के साथ यह मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।